सो है कैसे वेलकम टू माई चैनल, माई सर विशाल चौधरी। आप देख रहे हैं जाट टेक्स में जो है। सो कैसे को पता है मेरी वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, एटलीस्ट करीब करीब मेरी वीडियो 12 या 13 दिन बाद आ रही है, क्योंकि मेरा जो माइक है वो ख़राब हो गया था और मैंने जो दूसरा माइक मंगाया है वो वर्क कर नहीं रहा था, तो अमेजोन को रिप्लेसमेंट करने में टाइम लग गया, तो माइक का एक बहुत बड़ा इशू रह गया, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया। तो कैसा मेरा माइक आ चुका है, मैंने बोया का BY-M1 ले लिया है, तो मैं इसके बॉक्स में डाल दूंगा चैनल पर। तो फर्स्ट आज की वीडियो को हम तो फर्स्ट ये आज की वीडियो का इसमें क्रिएट करते हैं। जो आज की वीडियो को हमारी नए ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर है, जो हमने अभी भी एनवीडिया ने उनकी लीक साइज उनके कन्फर्मेशन नहीं आए, जैसे एनवीडिया की 3060 Ti का एकदम सरप्राइज लॉन्च हुआ था, वैसे इनका भी कुछ टाइम में सरप्राइज लॉन्च होने वाला है, बट ये जो लीक्स है वो कुछ मेन साइट्स पर आ गए। तो गए जो ग्राफिक्स कार्ड इस बार हमने लॉन्च होने के लीक्स हैं, सो गए जो लीक्स आती है वो 4 ग्राफिक्स कार्ड के नाम देती है, जो हमारे RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3060, RTX 3050 करीबन जनवरी में आपके लॉन्च हो जाएंगे इंडियन मार्केट में। तो गाइस देख लेते हैं कैसे होती है इनकी पावर और क्या इनके फीचर आते हैं, क्योंकि अभी इनकी कोई परफेक्टली हमें इनकी स्पेसिफिकेशन नहीं पता, जो साइट्स पे लीक होगी मैं उन्हीं को आपको बताऊंगा। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू कर लेते हैं, जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड इस बार लॉन्च होने वाले हैं वो हमारा RTX 3050, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070 Ti एंड RTX 3080 Ti। तो ये सबसे हाई एंड आपको सुनने में लग रहा होगा RTX 3080 Ti, ये TI सीरीज होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है अपने नॉर्मल वेरियंट से। तो वही आपने अभी देखा होगा RTX 3060 Ti कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है, जो बिल्कुल सरप्राइज एंट्री मानी थी, और उसके जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो था वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। मान लो कि आपके करीब करीब 2060 सुपर जितना इसका प्राइस होता है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट हाँ इसका इतना ही प्राइस होने वाला है। एंड वही इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हो RTX 2080 सुपर के बराबर है, मतलब उससे भी कुछ कुछ 5% एक्स्ट्रा या किसी गीक बेंच के स्कोर में मैंने देखा है इसका RTX 2080 सुपर से 5% ज़्यादा पावर आया है, एंड RTX 3070 से 5% कम पावर आया है। तो आप देख सकते हैं उनके बीच का ग्राफिक कार्ड है, उसकी परफॉर्मेंस है वो आपको आराम से 4K तो नहीं, एटलीस्ट 2K गेमिंग के काफ़ी केपेबल है। तो अगर आप एक मिड बजट पे हो, लो बजट नहीं कहूँगा मैं आपको, मिड एक बजट पे रहूँगा, तो आप RTX 3060 Ti को कंसिडर करो, एक काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड होने वाला है। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको एक्जैक्ट बता देता हूँ, वो है $399, जो आपको करीब करीब 30,000 इंडिया के प्राइस में आएगा, और वही ये RGB की मेमोरी के साथ आता है। तो कुछ इसको अभी छोड़ देते हैं, ये टॉपिक हमारा पुराना हो गया है, तो अब नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा RTX 3080 Ti, जो सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड होने वाला है अगर आप RTX 3090 को हटा दें, क्योंकि RTX 3090 कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस है, इसका प्राइस की लीक अभी हमें पता चली नहीं है 3080 Ti की। तो गाइस कुछ साइट्स पे इसके लीक आया है कि जैसे इसकी जो VRAM होने वाली है वो है 20 GB, इनका जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो थोड़ा मतलब एटलीस्ट 10% ज़्यादा होने वाला है 6800 XT के बारे में। तो जिन्होंने नहीं पता है 6800 XT कैसी पावर होने वाली है, ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी, उसको आप देख सकते हैं। तो 6800 XT भी अभी मार्केट में कोई लॉन्च नहीं हुआ है, तो AMD के अभी ग्राफिक्स कार्ड कुछ टाइम तक मार्केट में नहीं आ रहे हैं, पता नहीं इंडियन मार्केट में तो मैंने नहीं देखा, बट हाँ फॉरन में एक दो जगह मिल रहे हैं 6800 XT, 6900 XT। तो बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया में तो अभी इसका कोई भी आपको वेरिएंट नहीं मिलेगा। तो वही बात कर लेते हैं RTX 3080 Ti एंड RTX 3080 में क्या कंपैरिजन होने वाला है। तो आपको देखा होगा, मैंने इसके कुछ लीक्स पे देखा है, 20% का पावर आपको जंप मिलेगा, कहीं कहीं आपको कुछ गेम्स में 30% को भी पावर जंप मिल सकता है। और देख सकते हैं Ti वेरियंट्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल आए, और 4K गेमिंग तो आराम से 60 और 80 FPS के ऊपर आराम से करा देगा, कोई भी गेम चलाना चाहो एटलीस्ट मतलब फ्यूचर में आने वाले 5 ईयर्स तक आप कर सकते हो। तो अभी जो रिसेंटली कोई बायर को बाय करना होगा तो उससे AMD के ग्राफिक्स कार्ड तो मिल ही नहीं रहे होंगे, बट हाँ कुछ आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहे होंगे, जैसे RTX 3070 मार्केट में लॉन्च हो गया, काफ़ी जगह मिल रहा है, तो आप उससे बाय ना करके मेरी मान तो 3080 Ti पे जाओ, उसकी परफॉर्मेंस बहुत तकड़ी होने वाली है। एंड वही बात कर लेते हैं RTX 3070 Ti, इसका भी कोई लीक नहीं आया, क्योंकि ये ग्राफिक्स कार्ड अभी ऑफिशियल लॉन्च भी नहीं हुआ, और किस साइड पर इसकी ऑफिशियल वो भी नहीं आई है कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, इसमें कूडा बोर्ड्स कितनी होंगी। वही बात कर लेते हैं हमारे लास्ट ग्राफिक्स कार्ड है हमारा RTX 3050 Ti, जो एक मैं कहूँ मिड एंड नहीं एक बजट सेगमेंट का ग्राफिक कार्ड होने वाला है। इसका जो प्राइस है वो करीब करीब आपका 18,000 से लेकर 22,000 तक होने वाला है, जो एक काफ़ी अच्छा प्राइस है। इसको एनवीडिया जैसे पहले अपने लॉन्च किए थे 20 सीरीज के साथ साथ 1660 और 1660 Ti उसके हिसाब से लॉन्च किया है जैसे, बट इसमें आपको ये डिफरेंस मिलेगा देखने का कि परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलेगी मिलेगी, क्योंकि 3000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड है। एंड एक चीज़ और अपग्रेड मिलेगी, इसमें आपको RTX एंड DLSS का सपोर्ट मिल जाएगा, तो एक बहुत तगड़ी चीज़ है गेमर के लिए, अगर उसको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो।
लेकिन अगर आप कोई भी पुराने 2060 सुपर को आप लेने जा रहे हो कहीं सेकंड हैंड पे, तो मेरी मानो आपसे बाय मत करो, RTX 3050 पे जाओ। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है एंड इसमें आपको RTX वगैरह का सपोर्ट मिलता है और ये स्ट्रीमिंग के भी काफ़ी केपेबल है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 3080 आप बाय नहीं कर सकते हो, काफ़ी वो प्राइस है, तो आप 3070 को भी कंसिडर कर सकते हो, 3070 Ti को। बट वो थोड़ा सा उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वो 100% लॉन्च होने वाला है। तो अगर आपको कोई अच्छी डील मिल रही है 3070 3080 पे, तो आप उसे ही बाय करो। 3070 Ti का कोई भरोसा नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा, तो जनवरी में पक्का पता चल जाएगा कि वो आने वाला है नहीं। उसकी वीडियो बता दूंगा, तो जाकर सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए। तो गाइस कैसे लगे वीडियो को जरूर बताना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर चैनल को, घंटे का आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोस नहीं पाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।